अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हमारा आज चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जो कि है इनपुट आउटपुट का। अब इसको हम देखते हैं, इसमें स्टार्ट इन्होंने लिया स्टैंडर्ड इनपुट से कि इनपुट होती क्या है। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 10 है, इनपुट आउटपुट का चैप्टर है। अच्छा स्टैंडर्ड इनपुट से स्टार्ट लिया इन्होंने। स्टैंडर्ड इनपुट होती है, इनपुट का मतलब वैसे क्या है, कोई भी चीज जो कंप्यूटर को दी जाए, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट ज्यादातर कीबोर्ड के जरिए दी जाती है, तो कीबोर्ड के जरिए जो भी चीज दी जाएगी सी लैंग्वेज में, वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में डिफरेंट इनपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करके इनपुट ली जाती है। ठीक है, वो इनपुट आप उसको लेके किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। वो कुछ इनपुट के जो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं वो हैं, एक है scanf, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सब पढ़ेंगे, एक getS, एक है getch, एक है getche। ठीक है, ये कल हमने getch का एक फंक्शन पढ़ रहे थे जिसको मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका मतलब होता है कि ये विंडोज की, ये हम जब पढ़ेंगे ना इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, वैसे हम किसी और मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इनपुट का फंक्शन है। अच्छा आउटपुट के फंक्शन कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक है printf और एक है putf। आज हमने जो है ना printf पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, सही है, आज हमने सिर्फ printf पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है प्रिंट एफ फंक्शन। ये होता क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, आपके पास आउटपुट आ गई, उसमें आपने इनपुट किसी ना किसी, आउटपुट कैसे आती है, आप किसी इनपुट के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे आउटपुट बोलते हैं। अब वो आउटपुट मेमोरी में रखने का तो कोई फायदा नहीं है, उस आउटपुट को या तो आप फिर किसी ना किसी क्या करें, इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएं। अब डिस्प्ले कराने के लिए एक खास किस्म का फंक्शन होता है printf फंक्शन, जो कहाँ डिफाइन हुआ हुआ है, stdio.h लाइब्रेरी में। याद रखें जब आपने printf का फंक्शन यूज करना है सिर्फ एक ये लाइब्रेरी इंक्लूड करना जरूरी है, एक फंक्शन दो लाइब्रेरीज में कभी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ये कहना कि stdio.h और conio.h दोनों के अंदर ही फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ stdio.h में ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। इसका फॉर्मेट ये है कि आपने printf लिखना है, ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद आपने एक कोई ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये भी अभी हम करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद आपने कॉमा डाल के फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये यहाँ पे जो है ना इसको डबल कोट्स के अंदर आता है, आगे देने हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और ब्रैकेट बंद और आगे सेमी कॉलन। अच्छा अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, ये जगह है, ये जो चीज है फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफाइड नहीं, फॉर्मेट स्ट्रिंग है। फॉर्मेट जो स्ट्रिंग है ना, इसमें तीन चीजें आ सकती हैं। इसमें आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं, कैसे, वो जो आपने दी थी एक स्टेटमेंट की थी प्रिंट एफ, ब्रैकेट के अंदर आपने वेलकम लिख रहे थे, आपने ये वेलकम जो था ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ठीक है, कि आपने टेक्स्ट की सूरत में लिखा, या आप एक और तरीका हो सकता है कि आप इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दे, जो अभी मैं बात कर रही थी फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है आपने ये जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या दिया, सी इज इक्वल टू, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दें कोई भी, फॉर एग्जाम्पल सी इंटीजर टाइप का था इन कॉमा और इधर सी दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इधर डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख देते तो वो वेरिएबल का नाम ही प्रिंट कर देता। आपने क्या लिखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया कि ये फलां डेटा टाइप का वेरिएबल है, यानी डी है, तो इसका मतलब है ये इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब ये कॉमा के आगे आपने ये जो दिया है ये आर्ग्यूमेंट दिया, सही है, ये कॉमा के आगे आपका ये आर्ग्यूमेंट है। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि पहला जो आपका जो वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे दे दो। अच्छा, जितने आप फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाएंगे उतने वेरिएबल आगे आर्ग्यूमेंट में देने जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आर्ग्यूमेंट कम दे दें और स्पेसिफायर ज्यादा लगा दें, या स्पेसिफायर यहाँ पे मौजूद ही ना हो, आगे आर्ग्यूमेंट दिया हो, फिर भी कंपाइलर एरर देगा। अच्छा, तीसरी एक चीज होती है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस होता है, ये कुछ चीजें ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, कोई लाइन आपने डालनी है या इस किस्म की कोई चीजें, उनके शॉर्टकट्स होते हैं। आप डायरेक्ट अगर मैं इधर कहूँ प्रिंट एफ मैंने लिखा है और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट एफ लिखा है और ब्रैकेट के अंदर मैंने पहला नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल मारिया। अब मैंने अगली
लाइन के अंदर अनम लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, तो मैं अगली लाइन यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिख सकती अनम अनम लिख के और इसको यहाँ पे बंद किया और खत्म। सी लैंग्वेज इस अगली लाइन को नहीं डिटेक्ट करेगा, इसको अगली लाइन को कंपाइलर को डिटेक्ट करवाने के लिए एक चीज होती है एस्केप सीक्वेंस के नाम से। नेक्स्ट लाइन का एस्केप सीक्वेंस होता है हैश एन, हैश एन आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जब आउटपुट देगा तो अगली लाइन में आउटपुट देगा। ठीक है, ये हो गया एस्केप, जिनको हम डिटेल में करेंगे आगे। सही है। अच्छा, अब एक आगे प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के, हम वो प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे। अच्छा, आप लोगों के अब ये दो प्रोग्राम्स हैं, ये देखें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास ये तीन जो एग्जांपल्स है ना, ये सारी वही है। ये देखें, सबसे पहले वाला है ये इन्होंने टेक्स्ट दिया है टेक्स्ट की सूरत में, दूसरे वाले में ये इन्होंने कंप्यूटर के आगे एस्केप सीक्वेंस हैश एन की सूरत में डाल दिया है, जिसका मतलब है कंप्यूटर के बाद अगली लाइन में साइंस आएगा। और ये तीसरी एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिया है, परसेंट डी दे दिया है। परसेंट डी का क्या मतलब है, यानी कि ये इन्होंने फॉर्मेट स्पेसिफाइड दिया है, जो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स एक वेरिएबल है, इस मार्क्स का जो वैल्यू होगी ना वेरिएबल की, वो यहाँ पे आगे स्टोर हो जाएगी। सही है, ये हो गया हमारी एग्जांपल्स। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रोग्राम पे। ये पहला प्रोग्राम है राइट, ये 10.2 प्रोग्राम नंबर 10.2 पहले कर लेते हैं। अच्छा, राइट ए प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। अच्छा, टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हमने डिस्प्ले करनी है और उनका सम भी साथ में डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, सबसे पहले ये आप हेडर फाइल जब आपको डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी हेडर फाइल कब लगानी है। अब जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये प्रिंट एफ जो है ना, ये डिफाइन हुई हुई है stdio.h में, इसलिए ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है। सही है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये सबसे पहले इन्होंने खुद बता दिया है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज दो होनी चाहिए, यानी कि एक ये हमारी मेमोरी होगी, इस मेमोरी में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, दो वैल्यूज चाहिए हमें, तो हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। पहला वेरिएबल हम ले लेते हैं ए और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं बी। ठीक है, अब इन्होंने कहा इसका सम डिस्प्ले कराना है, तो मेमोरी में रिजल्ट कहीं तो रखवाना है ना, तो हम एक चलो वेरिएबल एस भी ले लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने इन तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया ये फ्लो ये इस स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट ने क्या किया, मेमोरी में इनकी जगह बुक कर ली। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट में हमने ए और बी में कोई ना कोई वैल्यू रखवानी है, हमने इधर ये जो दो वैल्यूज है ना, ये आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यूज ले ले, ये इन्होंने कुछ चूंकि कोई मेंशन नहीं की हुई, हमने खुद ही ले ली 10.2 ए की वैल्यू। जब हम इनपुट पढ़ेंगे ना, फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे, अभी फिलहाल के लिए यही काफी है। अच्छा, बी बी में क्या है, 5.5। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है, हाँ जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने s इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया। s इज इक्वल टू a प्लस बी का क्या मतलब है, यानी कि हमने इनका सम कर दिया, जो इन दोनों का सम होगा उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ s में आ जाएगा। सही है, वो रिजल्ट कुछ है 15 पॉइंट समथिंग बन रहा है। अब हमने जो असल स्टेटमेंट है जिसको हमने देखना है वो कौन सी है, वो ये है जो कि है प्रिंट एफ एस इज सम ऑफ परसेंट एफ एंड परसेंट एफ इज परसेंट एफ। अब नोट करें इधर तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर लग गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, तो इससे क्या होगा, जो ए की वैल्यू है वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में आएगी क्योंकि ए पहला आर्गुमेंट है, कॉमा के बाद आगे दिया हुआ है ना, ये देखिए ये डबल कोट्स भी दिए हुए हैं, इन डबल कोट्स के बाद दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है डबल कोट और एक इधर दिया हुआ है डबल कोट, तो ये डबल कोट्स के अंदर क्या है जो हमने अभी इसका पढ़ा था, इसका जो हमने सिंटेक्स देखा था, ये है फॉर्मेट स्ट्रिंग और आगे ये तीन आर्गुमेंट्स हैं ए बी और एस। अब ये ए की वैल्यू पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे पुट हो जाएगी, बी की वैल्यू दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे पुट हो जाएगी और सी एस की वैल्यू तीसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे पुट हो जाएगी। और ये आउटपुट देखें क्या आ रहा है, सम ऑफ पहले स्पेसिफायर की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई विच इज 10.2। चूंकि कोई प्रिसीजन नहीं दी गई थी, स्पेसिफाई नहीं की, तो उसने आगे खुद ही 0.0 लगा दिया। और फिर ये वाला जो एंड है ये आ गया, उसके बाद फिर ये 5. ये आ गया, बी की वैल्यू आ गई, फिर इज इक्वल टू एज इट इज उतर आया, और फिर उसके बाद ये परसेंट एफ जो लास्ट एस की वैल्यू है वो आ गई। सही है, ये हमारा हो गया पहला प्रोग्राम। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ, ये क्या आ रहा है, अच्छा, टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया है, वो कहता है आपने किसकी एरिया कंप्यूट करना है, स्क्वायर का एरिया आपने कंप्यूट करना है, यानी कि ये आपकी फॉर एग्जांपल मेमोरी है, इस मेमोरी में हमारे कौन कौन से वेरिएबल होंगे, फॉर्मूले से ही पता चल रहा है वेरिएबल कौन से हैं, एक एरिया का है, ठीक है, मैं ए लिख रही हूँ एरिया का,
हाइट का हाइट है, मैं एच लिख रही हूँ, वैसे ये हाइट ही आएगा, और विड्थ डब्ल्यू विड्थ है, सही है। इसमें ए में रिजल्ट आना है, एच और डब्ल्यू हमारे पास कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। अच्छा अब ये तीन वेरिएबल्स हैं, इन तीनों को पहले डिक्लेयर करा दें। ये वाली जो पहली स्टेटमेंट है इंटीजर हाइट विड्थ एंड एरिया, ये इन तीनों ने, इस एक स्टेटमेंट ने इन तीन वेरिएबल्स को मेमोरी में डिक्लेयर करा दिया। अच्छा हमने कोई आर्बिट्रेरी सी वैल्यू ले ली, हाइट इज इक्वल टू 15 और विड्थ इज इक्वल टू 3, ठीक है कोई भी हाइट में वेरिएबल में 15 आ जाएगा और विड्थ वेरिएबल में 3 आ जाएगा। अच्छा आपको पेपर में क्वेश्चन आता, आपने इस तरह से नहीं बनाना, ये आपकी अपनी समझ के लिए है कि आप अपने माइंड में ना मेमोरी की कंस्ट्रक्शन देख लिया करें कि मेमोरी में किस तरह से चीजें आ रही हैं, ठीक है। मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन आप एक दफा माइंड में रखेंगे तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अच्छा फिर तीसरा आ जाता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कंप्यूटेशन हो रही है, एरिया इज इक्वल टू हाइट इन टू विड्थ, इन दोनों का आंसर हाइट और विड्थ ये मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसका यही मतलब है ना, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसका यही मतलब है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, अब जो हमने एरिया कंप्यूट कर लिया है, अब इस एरिया का रिजल्ट कहीं ना कहीं तो शो करवाना है ना, आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएंगे, इसने क्या लिखा है ये गौर करें, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा, ये देखें ये आउटपुट है, आउटपुट में क्या आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब ये आगे देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आप लोगों को कहा था ये याद रखें कि परसेंट डी जो है वो इंटीजर का होता है, परसेंट एफ किसका होता है फ्लोट का, परसेंट सी कैरेक्टर का, यही मेन है तीन, ठीक है। अच्छा अब एरिया की वैल्यू इधर परसेंट डी के अंदर आ जाएगी, सही है, क्योंकि ये इसका ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में आ जाएगा, मतलब एरिया की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी ना कि एरिया डिस्प्ले होगा, सही है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अच्छा अब हाँ जी फॉर्मेट स्पेसिफायर हम देखने लगे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है ना, जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि हम कभी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दी है, फॉर एग्जांपल हमने यही जो अभी पहले प्रोग्राम करके आए हैं वही देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ एरिया या कुछ भी जो भी थी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे आपने डायरेक्ट वेरिएबल का नाम नहीं दिया बल्कि कॉमा डाल के एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे दिया और आर्गुमेंट में उस वेरिएबल का नाम दिया, वेरिएबल का नाम एरिया था फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दिया, तो क्या होगा, पहला आर्गुमेंट पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे प्लेस हो जाएगा। अब बात यह है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरह के होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मेन बेसिक तीन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो हमारे अपने इस सिलेबस में इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा यूज होंगे, परसेंट डी जो के इंटीजर के लिए, परसेंट एफ जो के फ्लोट के लिए, और परसेंट सी जो के कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए, एक और कर ले परसेंट एस, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, जो के स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए। इसके अलावा और एक बहुत ज्यादा वैरायटी है जो हम अभी देखते हैं क्या होती है। अच्छा इसमें होगा क्या, कैसे लिख रहे हैं कि आप नोट करें, पहले हम परसेंट डाल रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये परसेंटेज जो है ये प्रीफिक्स के तौर पे पहले डाला जाता है, प्रीफिक्स के तौर पे, उसके बाद का जो सिंबल होता है वो डिफाइन करता है कि वो वेरिएबल किस डेटा टाइप का, सही है, कि वो किस डेटा टाइप का है, वो डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, वो डेटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, और हर एक का, हर डेटा टाइप का एक अलग सिंबल होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, सही है। अच्छा फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ आ सकता है, हम इस स्टेटमेंट में हमने कहाँ डाला है, हमने एट द एंड ऑफ द, एट द एंड ऑफ द ये क्या था, टेक्स्ट फॉर्मेट था, टेक्स्ट फॉर्मेट के एंड में डाला है, आप इसको इधर शुरू में भी डाल सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप इसको कहीं मिड में भी डाल सकते हैं, इसकी कोई स्पेस नहीं है, आप इसको, इसकी कोई पोजीशन डिफाइन नहीं हुई भी, आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, उसके बाद इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं जी। ये हमारे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में देखें इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं, इंटीजर में हमारे पास ये एक पूरी लिस्ट है, ये आपको जो पूरी लिस्ट नजर आ रही है ना, डी परसेंट डी सिंगल डेसिमल इंटीजर वैल्यू है, ये वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको अच्छी तरह आप देख लें, परसेंट डी ये हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, जहां इंटीजर की वैल्यू आएगी, इंटीजर डाटा टाइप आएगी, वहां परसेंट डी करेंगे। बाकी परसेंट आई साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, परसेंट एल डी लॉन्ग इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, परसेंट यू अनसाइंड इंटीजर या अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर के लिए होता है, ये हर एक का एक अपना अपना पर्पज है, सही है। अच्छा इसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं
अच्छा कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो परसेंट सी है ना, ये हमारा कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है और परसेंट एस एक स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है फॉर्मेट, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोटिंग पॉइंट में जो परसेंट एफ है ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के लिए यूज होता है। अब ये हर आपको डबल वैल्यू, साइन डबल वैल्यू, ये सारे हमने पढ़े हैं फॉर्मेट, ये डेटा टाइप्स, इनके लिए हर एक के लिए अलग अलग यूज होता है, और ये सारी फ्लोटिंग पॉइंट जो लिस्ट है उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर में, सही है। इसके बाद अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक प्रोग्राम है फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर का, इसको एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम कहता है कि आपने राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस वैल्यूज ऑफ इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल एंड कैरेक्टर वेरिएबल, ये दो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है। मतलब आप इनके अंदर मेमोरी में कुछ भी रखवा दें और उसके बाद बस डिस्प्ले कराना है। हमारा मकसद है इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर को किस तरह से यूज करना है वो समझना है। ये दो ऊपर हेडर फाइल लग गई और मेन फंक्शन आ गया। ये मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। याद रहे कि हमने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इन अ सीक्वेंस हमने चलना है, ठीक है। पहले पहली स्टेटमेंट आएगी, फिर अगली स्टेटमेंट में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, फिर अगली, अभी तक हम यही कर रहे हैं ना, सही है। हमने अभी पहले क्या किया, हमने पहली स्टेटमेंट रन की जिसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर 77 असाइन भी करवा दिया। अच्छा, ये हमारी मेमोरी हो गई, ये मेमोरी के अंदर मेमोरी ज्यादा ही बड़ी बन गई है। चले खैर, इसमें एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर क्या रखवाया हुआ है, 77 हमने असाइन करवा दिया। अच्छा, अगला वेरिएबल कौन सा है, कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप का है, यानी वन बाइट लेगा मेमोरी में, सी एच वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर क्या रखवा रहे हैं, एच, सही है। फिर अगली क्लियर स्क्रीन की कमांड लगे, क्लियर स्क्रीन कहाँ पे डिफाइन हुई हुई है, कौन आयो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। क्लियर स्क्रीन क्या कहती है कि आपने आउटपुट स्क्रीन को अगली आउटपुट देने से पहले क्लियर कर दें। बेहतर होता है कि आप प्रिंट ऑफ देने से पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा दें, लेकिन जो मेरी अपनी जो हैबिट बनी हुई थी जब मैं कोडिंग करती थी, तो मैं हमेशा प्रोग्राम शुरू होते ही पहले पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा देती थी कि स्क्रीन पहले क्लियर कर दो। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है प्रिंट एफ, जो हमारी देखने वाली है। अब हमने पहली स्टेटमेंट में हमने दो प्रिंट एफ लगाई है, गौर करें। पहली प्रिंट एफ में क्या है कि हम इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं और दूसरी प्रिंट एफ में हम कैरेक्टर वेरिएबल को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो कैसे, वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल टू, ये एज इट इज नीचे आउटपुट स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखें क्या है, परसेंट डी, परसेंट डी का क्या मतलब है कि इंटीजर वेरिएबल का कोई स्पेसिफायर है, इसका मतलब है कि आर्गुमेंट में कोई इंटीजर वेरिएबल होगा, वो वाकई ए है, तो परसेंट डी की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, ए वेरिएबल की वैल्यू, ये हमारे पास जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमारी 77 ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, ये 77 हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहली स्टेटमेंट। अच्छा, गौर करें, इसके आगे एक ये भी लगा हुआ है हैश एन, इसका क्या मतलब है, ये हैश एन है एस्केप सीक्वेंस, इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। एस्केप सीक्वेंस है, ये क्या करता है कि जैसे ही 77 इधर यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ, उसने अगली लाइन एंटर प्रेस कर दिया, जैसे हम वर्ड में एंटर प्रेस करते थे ना कि प्रोग्राम अब अगली लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमने अगली फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लेते हैं, अगला ये सॉरी प्रिंट स्क्रीन का फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इज इक्वल टू, ये एज इट इज नीचे हमारे पास आउटपुट में आ गया, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इज इक्वल टू। अब अगले में देखिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगा हुआ है परसेंट सी, इसका मतलब है कि कैरेक्टर डाटा टाइप का डाटा टाइप होगी, कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल होगा कैरेक्टर डाटा टाइप का, जो कि हमारे पास आर्गुमेंट्स में पड़ा होगा। तो वाकई सी एच जो है ये कैरेक्टर डाटा टाइप का, ये नोट करें, सी एच जो है इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है, इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट सी लगाया। अगर आप परसेंट सी की बजाय परसेंट डी लगा देती तो क्या होता, तो ये होता कि सी एच वेरिएबल की आस्की वैल्यू प्रिंट हो जाती। अभी क्या हुआ है, अभी देखें एच था पड़ा हुआ सी एच वेरिएबल के अंदर और एच ही प्रिंट हुआ है, हालांकि यहाँ पे इसकी आस्की वैल्यू थी जो कि आस्की वैल्यू प्रिंट हो जानी थी अगर डी लगा देते तो। ये जो हमने पढ़ा था ना कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर डाटा टाइप, तो एक प्रोग्राम किया था ये, उसके अंदर ये चीज पड़ी थी। और आगे हमने क्या किया, एक एस्केप सीक्वेंस ये हैश एन का लगा दिया, जिसने इसको कर्सर जो है या कंट्रोल ये अगली लाइन पे चला गया। अब जो भी आप प्रिंट करेंगे वो अगली लाइन से होगा, अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है प्रिंट करने की, ठीक है। ये हमारा एक ये प्रोग्राम भी हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता जी हमारा था, ये है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, सही है। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है, हमने प्रिंट एफ में पहले पढ़ लिया क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर पढ़ रहे हैं। फील्ड विड्थ का मतलब है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ ही मिलकर मिलता है,
बनके मिलके बनता है, लेकिन ये है कि इसको एक दफा हम देख लेते हैं इसका सिंटैक्स और उसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसका स्टार्ट होता है परसेंटेज साइन से। परसेंटेज साइन इसका प्रीफिक्स है, हमेशा परसेंटेज साइन से ही स्टार्ट होता है। जिस तरह हमारा परसेंटेज साइन के साथ फॉर्मेट स्पेसिफाइड था, परसेंट डी, परसेंट एफ या परसेंट सी या परसेंट एस, इस किस्म की चीजें थी। तो इसी तरह फील्ड विथ स्पेसिफायर भी परसेंट के साइन के साथ, परसेंटेज वाले साइन के साथ इसका स्टार्ट होता है। अच्छा, ये इसमें जो होता है ना हमारा, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड था, इसी में हम यहाँ पे इस जगह पे कोई चीज ऐड करते हैं, कुछ नंबर्स ऐड करते हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो आपने जो भी इधर वैल्यू आने वाली है, नंबर आने वाली है, उसका क्या फॉर्मेट होगा। ठीक है, फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में ही हम चीजें ऐड करते हैं। अच्छा, सिंटेक्स देख लेते हैं इसका। परसेंटेज साइन आता है, उसके बाद एक फ्लैग आता है। ठीक है, ये मैं पिछला, हाँ, फ्लैग आता है, इसके बाद फिर फील्ड विड्थ आता है। फील्ड विड्थ के फौरन बाद आगे आ जाता है प्रिसीजन। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज के साइन जो है ये प्रीफिक्स है, ये आना ही आना है। ठीक है, ये पहले हमेशा इस फॉर्मेट स्पेसिफायर या फील्ड विड्थ स्पेसिफायर से पहले परसेंटेज का साइन आता है। अच्छा, फ्लैग का क्या मतलब है? फ्लैग की तीन किस्म की वैल्यूज हो सकती है, या इसकी वैल्यू प्लस हो सकती है, या इसकी वैल्यू माइनस हो सकती है, या इसकी वैल्यू स्पेस हो सकती है। ये स्पेस में ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस का वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पेस डलेगी, यानी कुछ भी नहीं आ सकता। सही है, फ्लैग में प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है और स्पेस का क्या मतलब है, ये देखते हैं। अच्छा, ये फ्लैग होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल देंगे तो सही है। ठीक है, प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, आपने पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसको जो है ना डिस्प्ले करता है पॉजिटिव वैल्यूज को, अगर आपने इसको वैल्यू शो करवानी है। ठीक है, उसके साइन के साथ, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है 46.8, कुछ ऐसी वैल्यू है, उसके साथ आपने प्लस भी शो करवाना है। अगर आपने प्लस भी शो कराना है तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर साथ लगता है, ये ऑपरेटर नहीं कह रहे, ये प्लस फ्लैग साथ लगता है। अगर आप प्लस लगाएंगे तो वैल्यू के साथ प्लस भी शो होगा। अच्छा, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि वैल्यू जो है ना वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाएगी। माइनस क्या करता है? वैल्यू को लेफ्ट जस्टिफाइड करता है। लेफ्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके मार्जिन है, ठीक है, आपने इधर वैल्यू लिखनी है 48। लेफ्ट का मतलब है आप लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे 48। ठीक है, ऐसे ही है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर आपने वैल्यू राइट हैंड साइड से लिखनी है तो क्या होगा? यहां से लिखी जाएगी 8 और फिर उसके बाद 4। बाय डिफॉल्ट हमारा सी लैंग्वेज जो होती है वो बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड पे राइट साइड जस्टिफाइड होती है। ये आपने जब फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा था ना, कौन सा चैप्टर था, जो वर्ड का चैप्टर था, जिसमें हमने लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट जो चीज देखी थी, ये वो बात हो रही है। अलाइन का मतलब है या जस्टिफाइड होने का मतलब है कि राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, राइट साइड दूसरी तरफ वाली है, यहां से लिखना शुरू करेंगे, और लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। अगर आपने लेफ्ट साइड से लिखवाना शुरू करना है तो आपको माइनस का साइन साथ डालना पड़ेगा एज अ फ्लैग। अगर आपने फ्लैग में माइनस का साइन नहीं डाला तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट राइट साइड से लिखना शुरू कर देगा। और ब्लैंक स्पेस का मतलब है कि वो स्पेस एक आ जाएगी, ब्लैंक स्पेस मींस ब्लैंक स्पेस ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लैग। फ्लैग के बाद अगला आपने देना है फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ का मतलब है, फील्ड विड्थ कहती है कि मैं आपका जो स्क्रीन के ऊपर, आपको पता है ना स्क्रीन आपकी कैसे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में बनी होती है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम में यानी पिक्सल वाइज ना, पिक्सल्स रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होते हैं, स्क्रीन की एक रेजोल्यूशन होती है। अच्छा, जो आपने पढ़ा होगा ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। अच्छा, तो फिर ये है कि हर कॉलम में एक लेटर आएगा, सही है, स्क्रीन पे एक लेटर आएगा। फील्ड विड्थ कहता है कि ये कितने कॉलम्स ले, कॉलम का मतलब है कि ये कितनी स्क्रीन के ऊपर कितने कॉलम्स लेगा। ठीक है, आउटपुट कितनी फील्ड विड्थ इसकी कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल एक आपका वर्ड है
पाके पाक, ये कितनी ले रहा है? 1, 2, 3, इसकी फील्ड विड्थ 3 होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है 48.6, ये कितनी ले रहा है? 1, 2, ये पॉइंट भी जगह लेगी, जाहिर है स्क्रीन पे पॉइंट प्रिंट होने के लिए जगह लेगा, 3 और 4, ये 4 ले रहा है, सही है। फील्ड विड्थ किस चीज को कहते हैं? तो फील्ड विड्थ यहाँ पे हमको कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन हमने उसमें पढ़ी थी अभी जब हम पढ़ के आए हैं फ्लोटिंग फ्लोट डेटा डेटा टाइप फ्लोट में, फ्लोट डेटा टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि प्रिसीजन क्या होती है। ये फॉर एग्जांपल नंबर है 48.92, प्रिसीजन का मतलब है कि पॉइंट के बाद आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। डिजिट्स नहीं आ रहा, 92 नहीं आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने अकाउंट करेंगे, 1, 2, तो इसकी प्रिसीजन 2 है, ठीक है। ये बात हो गई प्रिसीजन की। अब आपने ये प्रिसीजन आगे देनी है, ये सिर्फ किस लिए होगी? अगर आप फ्लोट यानी परसेंट एफ का जो है ना, परसेंट एफ का जब आप डालेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके अंदर प्रिसीजन आएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का। अच्छा अब यहाँ पे जैसे इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू परसेंट डी 10D, यानी कि 10 स्पेस 10 लेगा स्क्रीन पे, 10 कॉलम्स में ये डिस्प्ले करवाएगा। और ये अगले में क्या है, कौन सा वेरिएबल? एक्स वेरिएबल। फॉर्मेट पहला जो वेरिएबल आर्गुमेंट्स में आ रहा है वो डिस्प्ले करवाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.2, यानी 15 स्पेसेस लेगा, लेकिन पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद इसकी प्रिसीजन 2 है, यानी पॉइंट के बाद दो वैल्यूज को सिर्फ डिस्प्ले कराएगा, किसकी? y की, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसका जरा इंटीजर के साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास फील्ड विड्थ है इंटीजर की, इंटीजर्स के लिए ये हमारी स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ परसेंट 5d एंड परसेंट 8d। इसका क्या मतलब है कि x जो है वो परसेंट 5 की जगह पे डिस्प्ले होगा और y जो है वो परसेंट 8d की जगह पे डिस्प्ले होगा। ये पहले वाले का फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है और दूसरे वाले का फील्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर या फील्ड विड्थ स्पेसिफायर ये 8d वाला है। अच्छा अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉलम्स हैं स्क्रीन के, तो पहले वाले ने 5 लेनी है, यानी हम 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये कैसे है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हमारे पास कॉलम्स हैं, इनको हमने बुक कर लिया वेरिएबल किसके लिए, a के, x के लिए। x की वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन कर दी, x की 62 है और y की 716 है, ठीक है। अच्छा अब ये 62 डिस्प्ले होगा, तो ये हमेशा नंबर्स जो है डिस्प्ले होंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये कैसे होगा 62, ये पहली तीन जो है ये ब्लैंक स्पेसेस छूट जाएंगी और उसके बाद 62 डिस्प्ले होगा। अच्छा फिर साथ ही इन्होंने नेक्स्ट कह दिया कि 8 स्पेसेस ले लो, किसके लिए? वाई के लिए। 8 ले लो कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 12 तक आ गई, 8 स्पेसेस ले ली। और इधर डिस्प्ले क्या कराना है? 716, तो लेफ्ट टू राइट, ये सॉरी राइट टू लेफ्ट हम चलेंगे, ये 716 यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली इतनी जगह पे स्पेसेस डिस्प्ले करवा दी, स्पेसेस आ गई, ठीक है। ये हमारा था फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर किसके लिए? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट आपको पता है डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली ये परसेंट डब्ल्यू डॉट डी आ जाएगा, यानी डेसिमल पॉइंट, यानी प्रिसीजन इसमें ऐड हो जाएगी। इंटीजर में नहीं हुई ऐड, आपने नोट किया ना, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट्स होते ही नहीं है, इसमें ऐड होगी। अच्छा इसमें कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं, वेरिएबल एक्स है, वैल्यू क्या पड़ी है? 48.550, ये वेरिएबल पर इसमें वैल्यू पड़ी है, और हमारी स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट एफ 10.2f, इसका मतलब है कि स्पेस इसने परसेंट, ये 10 लेनी है इसने स्पेस मेमोरी में। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा ये मेमोरी नहीं है सॉरी, स्क्रीन पे 10 कॉलम्स ले लिए इसने, ठीक है, जिनमें से दो कॉलम्स इसने मखसूस कर दिए, दो कॉलम्स इसने बुक कर दिए किसके लिए? डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है। दो कॉलम्स डेसिमल पॉइंट के लिए हमने कर दिए, ये दो कॉलम्स आखिरी वाले दो राइट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमेशा राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज आती है ना, ये दो डेसिमल पॉइंट के लिए और 7 वाला कर लिया इसने पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद बाकी जो इंटीजर वैल्यू इंटीग्रल पार्ट होगा वो यहाँ पे बाकियों में स्टोर हो जाएगा। अच्छा कौन सी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू स्टोर करानी है इस हिसाब से, इस फॉर्मेट पे।
x की वैल्यू क्या थी, ये 48.577। तो क्या हुई, हमने पहले इंटेग्रल पार्ट में 48 को रखवा दिया, ये यहां से 8 और 4 उल्टी साइड से चलना है, ठीक है, ये 48 रखवा दिया, पॉइंट की जगह पे पॉइंट रखवा दिया, और 557 है तो हमने इसको राउंड ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि हमने दो वैल्यूज चाहिए, प्रिसीजन 2 थी, तो हमने 8 और 9 सिर्फ दो जगह है यहाँ पे हमने रखवाना है, दो कॉलम है सिर्फ, तो हमने 5 और ये 7 जो है राउंड ऑफ होके 6 हो जाएगा, तो 5 6 यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं ये, अब नेक्स्ट दो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स देख लेते हैं। अच्छा पहला प्रोग्राम क्या कहता है कि आपने रियल वैल्यू जो है ना डिस्प्ले करानी है, रियल वैल्यू डिस्प्ले यानी कि आपने वैल्यू डिस्प्ले करानी है, फील्ड विड्थ उसकी कितनी होनी चाहिए 5 और उसकी प्रिसीजन यानी कि उसकी डेसिमल प्लेसेस 2 होने चाहिए। अच्छा हमने खुद ही अज्यूम कर लिया कि x इज इक्वल टू ये एक वैल्यू है 7.5 ये भी है। अच्छा हमने अब गौर करें हमने प्रिंट एफ का फंक्शन कैसे लगाया, हमने लगाया है नंबर इज, ये नंबर इज आगे कॉलन, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, आगे लगी है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर या फील्ड विड्थ स्पेसिफायर आगे लगा है, ये देखिए इसमें क्या मतलब है कि जो आपका टोटल 5 स्पेसेस लेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4 और ये चौथी ये वाली 5 स्पेसेस लेगा, जिनमें से दो तो उसने फिक्स कर दी, ये दो फिक्स कर देते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद की, और एक ये जो लास्ट ये जो बीच वाली है ये हमने पॉइंट की बना दी, ये पॉइंट है, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को यहाँ फिट करना है, कैसे करेंगे, पहले 7 7 है, हम यहाँ 7 7 डाल देंगे, ठीक है, हमारे पास अब याद रहे 5 स्पेसेस हैं जिनमें से एक तो डेसिमल पॉइंट को दे दी, दो दे दी हमने किसको, डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स को, फ्रैक्शनल पार्ट को। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है 5 0 और उसके बाद 7 है, ये देखिए ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 5 1, तो क्या आंसर में क्या आएगा 7.51 जो कि ये आपको डिस्प्ले हुआ नजर आ रहा है, सही है, ये एक प्रोग्राम हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में देखें, नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है कि डिस्प्ले करनी है वैल्यू 7.8888 चार दफा 8, ठीक है, डिफरेंट प्रिसीजन के साथ, सिंगल प्रिसीजन के साथ नहीं, हमने पहले डबल टाइप का वेरिएबल ले लिया, देखें इधर इसकी डाटा टाइप डबल है, और हमने क्या किया 7.88 वैल्यू असाइन कर दी एक्स वेरिएबल को, और उसमें क्या किया देखें, अब गौर करें कि यहाँ पे हमने 0.4f दिया, हमने वो नहीं दिया, हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नहीं दी, जैसे ये देखें ना 5 दी थी कि टोटल कितनी स्पेस ले, वो टोटल जितनी मर्जी ले, बस हमने डिफाइन कर दिया कि पॉइंट के बाद 4 आने चाहिए डिजिट्स, तो ये देखें पहली वाली में क्या आ रहा है 7.4 डिजिट्स आ रहे हैं, अगली वाली में 3 आने चाहिए, अगली वाली में ऑटोमेटिकली 3 आ रहे हैं, और पहले वाली ने इसको राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ होने की वजह से 889 आ गया, उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने कहा है कि 0.2 डिजिट्स आने चाहिए, ये 2 डिजिट्स आ गए, और गौर करें हर एक आ गया, ये एस्केप सीक्वेंस है हैश एन का, यानी कि नेक्स्ट लाइन में अगली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, तो देखें हर एक के बाद एक एक लाइन छूट रही है ना, अगली अगली लाइन में प्रिंट हो रही है, और लास्ट में उसने 0.0 कह दिया, यानी कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ना दे, तो देखे 78 आ गया, राउंड ऑफ हो गया ना, तो ये 78 आ गया, ठीक है, आउटपुट वैल्यूज लेफ्ट जस्टिफाइड। अच्छा हमने जब फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का किया था, हमने किया था परसेंट फ्लैग आया था, हमने फ्लैग में प्लस का मतलब देख लिया था, यानी कि अगर आपने किसी वैल्यू के साथ प्लस एड करना है तो फिर प्लस का निशान लगाते हैं, प्लस फ्लैग आता है, अगर आपने प्लस का साइन एड करना है, माइनस का मतलब था लेफ्ट जस्टिफाइड, ये देखते हैं हम कि लेफ्ट जस्टिफाइड क्या होता है, लेफ्ट जस्टिफाइड का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना, अभी हमारा राइट जस्टिफाइड है, बाय डिफॉल्ट हम राइट साइड से कोई ना कोई वैल्यू लिखना शुरू करते हैं, अब हम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 42, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको क्या करना है, लेफ्ट जस्टिफाइड करना है, और किस फॉर्मेट में करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं परसेंटेज, सिर्फ परसेंट एफ के लिए नहीं है ये, परसेंट डी के लिए भी है, ठीक है, परसेंट आगे इधर माइनस लगाएंगे, इसका मतलब है लेफ्ट जस्टिफाइड करेंगे, कितने कॉलम्स में करना है 5 में फॉर एग्जाम्पल, और आगे डी यानी कि ये इंटीजर नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप 5 इसके बना लें 1 2 3 4 और ये 5, अब आपने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है, पहले आप यहां से लिखते थे 2 और 4 इन केस जब माइनस नहीं होता था, अब माइनस आ गया तो आप यहां से लिखेंगे 4 और 2, सही है,
ये लेफ्ट साइड से इसका मतलब आप लिखना शुरू करेंगे। अच्छा अगर एक नंबर है हम ले लेते हैं 42.98 और इसको आपने परसेंट एफ में लेकिन माइनस फ्लैग के साथ कैसे करेंगे, परसेंटेज माइनस 5.2 एफ। अगर ये आ जाता है 5 का मतलब है कि टोटल 5 कॉलम्स ले लो स्क्रीन के 1, 2, 3, 4, 5। पॉइंट का मतलब है कि ये जहां दो प्रिसीजन से पहले पॉइंट आना है, ये दो ले लिए प्रिसीजन के यानी फ्रैक्शनल पार्ट और पॉइंट डाल दिया। माइनस का मतलब है कि आपने इस साइड से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल चलो इसको 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं यानी ये 6 और ये 7, तो आपने इधर से शुरू करना है 42.98। ये हो गया माइनस के साथ। अगर आपका होता परसेंट 7.2f तो क्या होता, अब ये 7 ले ले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो क्या होता, तो आपने उस साइड से शुरू करना था ऐसे 8 9.24। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है राइट साइड वाला। माइनस का साइन डालेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा अब एक प्रोग्राम करते हैं, इससे अलग है जी। ये हमारे पास एक कोड है, ये कोड क्या कहता है, ये कोड कह रहा है कि आपने कुछ वैल्यूज को लेफ्ट राइट जस्टिफाई भी करना है और लेफ्ट जस्टिफाई भी करना है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज दे दी है, एक्स की वैल्यू भी दे दी है और ये वाई की वैल्यू भी हमें इन्होंने कुछ दे दी है। ठीक है, अब लेफ्ट जस्टिफाइड राइट जस्टिफाइड कैसे किया इन्होंने, ये देखिए ये सारे जो तीन को है ना स्टेटमेंट प्रिंट एफ में कैसे इस्तेमाल किया इन्होंने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को, इसके अंदर इन्होंने कोई साइन नहीं ऐड किया, गौर करें फ्लैग को ऐड नहीं किया, और इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है ये देखिए, राइट साइड से लिखना शुरू कर रहे हैं, राइट जस्टिफाइड ऐसे होगा और जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है उनको उधर स्पेस ऐड की जा रही है। जब लेफ्ट जस्टिफाइड की बात आई देखिए तीनों में माइनस का साइन यूज किया है इन्होंने, ये तीन स्टेटमेंट जो है ये लेफ्ट जस्टिफाइड किया और लेफ्ट जस्टिफाइड का रिजल्ट देखें ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेइंग कैरेक्टर टाइप डाटा। अभी तक हमने क्या पढ़े थे डिटेल में, हमने परसेंट डी को डिटेल में पढ़ा, हमने परसेंट एफ को डिटेल में पढ़ा, ये इंटीजर का था और ये फ्लोट का था। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं करेक्टर टाइप का। करेक्टर टाइप का होता है परसेंट सी, ठीक है, और ये कैरेक्टर टाइप का होता है। अब जरा इसको गौर से देख लेते हैं, कैरेक्टर टाइप के डाटा जो होता है ये क्या होता है, परसेंट सी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अभी हम फील्ड विड्थ पे नहीं, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर पे आ गए हैं फिर से। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरेक्टर कैसे होता है, हम कैरेक्टर डाटा टाइप कर रहे हैं ना, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ रहे हैं। कैसे होता है कि ये मेमोरी में एक सिंगल 1 byte लेता है, ठीक है, और इसके अंदर ASCII वैल्यू स्टोर होती है, ना के पूरा का पूरा कैरेक्टर स्टोर होता है, ASCII वैल्यू स्टोर होती है। अगर आप ये मैं बात मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताई थी कि अगर आप परसेंट सी का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर आपको शो होगा परसेंट सी से, अगर आप परसेंट डी लगाएंगे तो उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू शो होगी ना के कैरेक्टर शो होगा। सही, इसका एक कोड देख लेते हैं। ये इसका कोड है, इस कोड में क्या हो रहा है कि एक कैरेक्टर लिया ए, सही है, उसके अंदर पी रखवा दिया और एक और कैरेक्टर लिया बी, उसके अंदर पी रखवा दिया, कैपिटल पी, स्मॉल पी और कैपिटल पी दोनों में फर्क होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अपर केस और लोअर केस में फर्क होता है, और सी के वेरिएबल के अंदर वाई रखवा दिया और इसने कौन सा यूज किया परसेंट सी का, परसेंट सी का क्या यूज किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो देखें एक दफा परसेंट सी का किया है और अगली दफा ये क्या किया है, परसेंट डी का किया है। अब परसेंट सी की जगह पे क्या हुआ है, परसेंट सी की जगह पे ये देखें पूरे पूरे लेटर्स आ गए हैं, पी कैपिटल पी और कैपिटल वाई, जबकि परसेंट डी की जगह पे उनकी ASCII वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, बाकी एज इट इज आया ASCII वैल्यू ऑफ आगे परसेंट सी, परसेंट सी की जगह पे क्या हुआ ए की, ये देखें पहले ए की क्या आया, पहले ए की कैरेक्टर वैल्यू आ गई, ए की कैरेक्टर वैल्यू क्या थी पी, फिर इज इक्वल टू एज इट इज आ गया, और उसके बाद ये जो डी है ये दूसरे ए की इसी मतलब ए की जो है ना ASCII कोड आ गया। अब यहाँ पे याद रहे कि आपने बेशक सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, आप जितनी दफा यूज करेंगे उसके जितने फॉर्मेट स्पेसिफाइड देंगे उतनी दफा आर्ग्यूमेंट्स में वेरिएबल देना होगा। ये देखें ए ए दो दफा दिया,
एक दफा नहीं दिया, एक ए जो है पहला वाला वो परसेंट सी के लिए और दूसरा ए परसेंट डी के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला कोड। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप, पहले इसको देख लेते हैं फिर देखते हैं इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, होता ये कैरेक्टर डेटा टाइप ही है, लेकिन ये इसमें कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में मल्टीपल एक सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, जबकि स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ढेर सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं। मेमोरी में इसको कैसे शो किया जाता है, मेमोरी में कैरेक्टर का एक बाइट होती है, वन बाइट, जबकि स्ट्रिंग में मल्टीपल बाइट्स जितनी आपको चाहिए होंगी वो बताते हैं कि हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे कि कितनी बाइट्स चाहिए, कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स मेमोरी के उसके लिए मखसूस कर दिए जाते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक ब्लॉक उसके फौरी बाद अगला जो बाइट आती है उसके फौरी बाद अगले वाले बाइट, ठीक है। इसको अरे भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को अरे भी बोलते हैं। तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर की अरे होती है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर हमारे पास है ये, इस वेरिएबल का नाम है एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा। एक्स है कहां तक है, 0, 1, 2, 3 फॉर एग्जाम्पल यहां तक है, कितने है 1, 2, 3, 4 फोर है, तो ये इसको फोर इस तरह से कैसे लिखेंगे, एक्स और फोर ऐसे ये बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग होता कैसे है। अब ये तो मैंने आपको मेमोरी की शक्ल दिखा दी ना कि मेमोरी में स्ट्रिंग ऐसे शो होगा। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है पाकिस्तान, अब ये मेमोरी में ये एक कैरेक्टर है, ए दूसरा कैरेक्टर है, के तीसरा कैरेक्टर है, अब ये कैसे मेमोरी में सेव होगा, ये होगा पहले पी आएगा एक ब्लॉक में, दूसरे में ए आएगा, तीसरे में के आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, और फिर एन आएगा, और उसके बाद एक और आएगा, वो होगा हैश जीरो, जो कि शो करता है कि स्ट्रिंग एंड हो गई है। ये जो चीज है ना, ये एंड ऑफ स्ट्रिंग को शो करता है, एंड ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, कैरेक्टर में आप जैसे ही स्पेस प्रेस करते हैं, अच्छा बहरहाल इसके अंदर स्पेस भी आ सकती है, फॉर एग्जांपल आपने पाक के बाद आई की जगह स्पेस दे दी है, तो ये इसको स्पेस ही कंसिडर करेगा। ये एंड कब समझेगा, जब ये एंड ऑफ स्ट्रिंग का कैरेक्टर आ जाएगा, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, अब इसने मेमोरी में कितनी स्पेस ली है, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एंड ऑफ स्ट्रिंग भी स्पेस लेगा, यानी 9 स्पेसेस ली है इसने। किस फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल का नाम है एक्स, तो ये क्या किस तरह लिखेंगे, एक्स और इसने 9 स्पेसेस ली है मेमोरी। अच्छा, अब इसको स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं सी लैंग्वेज में, इसको स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाने का तरीका क्या है, आपने डाटा टाइप कैरेक्टर ही यूज करनी है, सी एच ए आर, सही है, डाटा टाइप कैरेक्टर ही होगी, उसके आगे स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा, वेरिएबल का नाम आ जाएगा जिस वेरिएबल को आप एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स है, ये अभी मैंने एक्स लिया फॉर एग्जाम्पल, आगे आपने ये बड़ी ब्रैकेट डालनी है और उसके अंदर लेंथ लिखनी है कि किस लेंथ की, वेरिएबल की लेंथ क्या होगी, इधर लेंथ क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इसकी लाइन लेंथ होगी और आगे सेमीकोलन डाल के इसको बंद कर दिए, ठीक है। इस तरह से ये वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो गया। अच्छा, मैंने इसी डिक्लेरेशन के साथ आगे इनिशियलाइजेशन करानी है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि मैंने इसके अंदर वैल्यू भी रखवानी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, डिक्लेयर करने का क्या तरीका था, कैरेक्टर एक्स और आगे उसकी वेरिएबल का नाम, उसके आगे उसकी लेंथ, ये हो गया। अब इनिशियलाइज भी कराना, उसमें पाकिस्तान रखवाना है, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिख दे पाकिस्तान और सेमीकोलन बंद, ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल इनिशियलाइज भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा टाइप तो कैरेक्टर है, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका होता है परसेंट एस, यानी आपने जब भी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने यही एक्स को प्रिंट कराना है, तो कैसे लिखेंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया परसेंट एस, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किस वेरिएबल के लिए है, एक्स वेरिएबल के लिए, इधर एक्स लिख दिया मैंने और ये बंद कर दिया, तो स्क्रीन पे पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब
एक हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर, वो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के लिए सेम नहीं होगा। हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या था? इक्वल टू का साइन। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल और ले लिया, वेरिएबल का नाम है कैरेक्टर ए और ये 9 मैंने डिक्लेयर करा दिया। अब मैंने एक्स की वैल्यू ए में रखवानी है, एक्स की वैल्यू ए में रखवानी है तो हम क्या करते होते थे, मैं इसको रेज कर देती हूँ। हाँ, हम कैसे करते थे, अगर ये स्ट्रिंग ना होता तो x इज इक्वल टू ए ऐसे करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। स्ट्रिंग के लिए जब मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए नहीं चलता। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग कॉपी, एस टी आर सी पी वाई, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग कॉपी, एस टी आर सी पी वाई। किसको कॉपी करना है और किसमें करना है, ये कॉमा डाल के यहाँ पे इसमें आएगा, आपने किसके अंदर कॉपी करना है, आपने ए में करना है, किसको करना है, एक्स को करना है। तो इस तरह से ये कॉपी हो जाएगा, सही है। ये कहाँ पे डिफाइन हुआ है, ये डिफाइन हुआ है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करना लाजमी होगा अगर आप ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका है, आपने ए के अंदर एक्स भी रखवाना, आपने ए के अंदर रखवाना है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, तो आप इस तरह से लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ए के अंदर कॉपी हो जाएगा कंप्यूटर का स्ट्रिंग। चलिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप वाला टॉपिक जो है पार्ट खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एक तो इसके लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस। इसके साथ ही हमारी प्रिंट, प्रिंट की जो थी ना स्टेटमेंट, ये प्रिंट का जो प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट फंक्शन, ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट से कल से इंशाल्लाह हम स्कैनर शुरू करेंगे। एस्केप सीक्वेंस होता है कि आपने अपने डिस्प्ले करने के बिहेवियर को अगर चेंज करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कल एक मैंने बताया था एस्केप सीक्वेंस का क्या बताया था। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रिंट करना है मारिया और अगली लाइन पे प्रिंट करना है अनम, तो कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे ना प्रिंट एफ मारिया और आगे अनम, बेशक आप एंटर दबा के लिखें, या आप ऐसे लिख देंगे अगर प्रिंट एफ और ब्रैकेट में इस तरह मारिया और एंटर प्रेस किया अनम ब्रैकेट बंद इस तरह, वो तब भी मारिया के आगे अनम प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन देने के लिए आपको इसका एस्केप सीक्वेंस देना पड़ेगा जो कि है बैक स्लैश एन। एन होता है न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को लेके जाने के लिए, आप इसकी इसमें डिस्प्ले स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल कर रहे होते हैं एस्केप सीक्वेंस में। ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये जो एस्केप सीक्वेंस है, ये इसका प्रीफिक्स क्या है, बैक स्लैश, जहां से बैक स्लैश आएगा इसका मतलब है कि ऐसे नहीं है बैक स्लैश दूसरे रूप पर, अच्छा जहां से बैक स्लैश आएगा इसका मतलब है कि एस्केप सीक्वेंस आ गया। ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ये कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होते और ये कहीं पे भी प्रिंट एफ में कहीं पे भी आ सकते हैं, चाहे शुरू में आ जाए, चाहे दरमियान में आ जाए, चाहे एंड में आ जाए, जिस तरह फॉर्मेट स्पेसिफाइड की लोकेशन कोई भी हो सकती है प्रिंट एफ के अंदर, इसी तरह एस्केप सीक्वेंस की भी कोई भी लोकेशन हो सकती है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वेलकम प्रिंट करना है लेकिन आपने एक लाइन छोड़ के करना है तो कैसे करेंगे, आप पहले हैश एन लगाते, एक लाइन कर्सर नीचे आ गया, फिर क्या होगा, फिर आगे वेलकम लिखेंगे, वो अगली लाइन में वेलकम प्रिंट होगा। अब ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, उनको एक दफा देख लेते हैं। अब ये देखें, ये एक है परसेंट एन, हैश एन, हैश एन करता है न्यू लाइन पे आने के लिए, हैश टी करता है एक टैब देने के लिए, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि पी के आगे टैब है, फिर ए है, फिर टैब है। हैश ए करता है एक साउंड, डीप साउंड देने के लिए कंप्यूटर में। हैश बी करता है बैकस्पेस के लिए, आपने वेलकम के आगे बैकस्पेस किया, वो एक लाइन पीछे से कर्सर इधर आएगा, नेक्स्ट जो आप लेटर प्रिंट करेंगे वो ई के ऊपर प्रिंट होगा, यानी ई को मिटा देगा और ई की जगह पे प्रिंट होगा। हैश आर जो है वो कर्सर को लाइन के शुरू में ले जाने के लिए होता है, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखा, ये आपका कर्सर था, ये लाइन के शुरू में चला गया। हैश एफ जो होता है, ये जब आप प्रिंटर को कोई पेपर देते हैं ये उसके लिए यूज होता है, इसका फिलहाल इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, डबल हैश का क्या मतलब है, कि जब आप सिंगल हैश लगाते हैं तो वो उसको एज अ एस्केप सीक्वेंस डील करता है, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस समझता है, जबकि आप डबल हैश लगाने से क्या होगा, वो इसको दूसरा हैश, अगर आपने इसके अंदर ये दूसरा हैश आउटपुट में दे देगा, ठीक है। अगर आपने कॉमा डालना है इसी तरह, पहला अगर आपने डबल कोट्स डालने होते हैं वो भी आपको स्पेस सीक्वेंस के साथ देने पड़ेंगे इस तरह से, अगर आप इस तरह नहीं देंगे तो वो उसको स्टेटमेंट का हिस्सा समझेगा।
अच्छा इसी तरह ये नेक्स्ट भी डबल कोट्स, इसी तरह सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अब ये एक एग्जांपल है, ये पहले प्रोग्राम 10.12 में देखें, ये एक सिंगल स्टैटिक प्रिंट किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस यानी एक न्यू लाइन का कर्सर लगाया। ये प्रिंट की स्टेटमेंट देखिए, एक स्टैटिक के बाद हैश एन, फिर दो स्टैटिक के बाद हैश एन, फिर तीन स्टैटिक के बाद हैश एन। ये क्या हुआ, पहला स्टैटिक अगली लाइन पे कर्सर आ गया, इसने दो प्रिंट किए, फिर अगली लाइन पे कर्सर आ गया, फिर तीन प्रिंट किए, फिर अगली लाइन पे कर्सर आ गया। ठीक है, ये हैश एन का मतलब ये है। और ये नेक्स्ट प्रोग्राम में हैश टी यूज किया हुआ है वन, और उसके बाद हैश टी जो है यहाँ पे इसने, हैश टी ने यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर दी, यानी एक टैब ले दिया, फिर थ्री, फिर हैश टी, और नाइन के बाद अगली लाइन पे आ गए, यानी नाइन के बाद हैश एन आ गया, ये इस तरह देखे। ठीक है, और बाकियों के इस तरह दोबारा से वापस हैश टी ही आ रहा है। हम नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना स्कैन एफ वाला। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।